मथुरा शहर में बाढ़ग्रस्तों के लिए किया गया सर्वे सवालों के कटघरे में है। कई बाढ़ग्रस्त इलाके तो अब भी सर्वे से वंचित है, जबकि इन इलाकों में भी बड़े पैमाने पर बाढ़ग्रस्तों का नुकसान हुआ है। पेश है दिग्रस्त संवाददाता जुबैर खान की एक खास रिपोर्ट। संकट दो तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक संकट और दूसरा सरकारी संकट। पहले बात प्राकृतिक संकट की करते हैं। प्राकृतिक संकट आसमानी हो या जमीनी, वो जब भी आता है किसी से पूछ कर नहीं आता, वो बस आता है और कहर बरसा कर चला जाता है। वो ये नहीं देखता कि उसकी चपेट में कौन आ रहा है, कच्चा मकान आ रहा है या पक्का मकान आ रहा है, अमीर का नुकसान हो रहा है या गरीब की दुनिया उजड़ रही है। आप अगर गौर से देखें या सोचें तो आप प्राकृतिक संकट में समानता का बड़ा ही विस्मयकारी गुण देख सकते हैं। वह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज़ के साथ भेद नहीं करता, सिर्फ तबाही करता है। मेरी निजी राय ये है कि प्राकृतिक संकट की तबाही समानता के मापदंडों पर आधारित होती है, लेकिन सरकारी संकट इसके उलट होता है। वो अक्सर संकट निवारण के नाम पर मैदान में उतरता है, लेकिन भेद उपेक्षा और राजनीतिक छल कपट के प्रभाव से ग्रसित सरकारी संकट कभी मुंह देखकर, कभी अपना तो कभी पराया जानकर प्राकृतिक संकट के पीड़ितों के साथ व्यवहार करता है। आजकल दिग्रस शहर के कुछ बाढ़ पीड़ित के और कई बाढ़ग्रस्त लोग सरकारी संकट की चपेट में हैं। शहर के बापूनगर जैसे कुछ इलाके बाढ़ग्रस्त होने के बावजूद अब भी सर्वे से उपेक्षित है। उनके यहाँ सर्वे करने वाली टीम पहुंची थी, लेकिन उसने सर्वे करने से साफ मना कर दिया। वहीं लक्ष्मीनगर जैसे बाढ़ग्रस्त इलाके के बाढ़ पीड़ितों पर सरकारी मुआवजे से हाथ धोने की नौबत आन पड़ी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद बाढ़ग्रस्तों ने इस आशय की व्यथा NBCN न्यूज चैनल के समक्ष बयां की है। बीते सप्ताह दिग्रस शहर में आई बाढ़ के बाद एक तरह से पूरा दिग्रस शहर जलमग्न हो चुका था। यहाँ के कई इलाके, आप कह लीजिए जो पिछड़े इलाके हैं या जो अच्छे इलाके हैं और जिन इलाकों का समावेश पौश इलाकों में होता है, वहाँ पर भी बाढ़ की त्रासदी देखी गई है। यहाँ पर आज हम बापूनगर और लक्ष्मीनगर, ये दो जो इलाके हैं, यहाँ पर आज हम मौजूद हैं और यहाँ की जो जनता है, जिन्हें अब तक बाढ़ग्रस्त है ये जनता, लेकिन इनको अब तक बाढ़ के बाद जो सर्वे हुआ है उसका कोई लाभ मिलता नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर यहाँ के लोग हमारे साथ हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं कि प्रशासन किस तरह से उनको नज़रअंदाज कर रहा है। डिग्रस को बाढ़ आई थी, बाढ़ आने के बाद उनका सर्वे करने को आए थे कर्मचारी, उनकी टीम आई थी। टीम आने के बाद उन्होंने उनको बताया कि हमारे घर में बाढ़ आया, पूर्ग्रस्त है हम। वो बोल रहे थे हमारे को ये रोड जो रोड है ये रोड की इधर के लेने का नहीं बोला, बोले हमको वैसा ऑर्डर है, बोले बापूनगर की हमारे तरफ कुछ ये नहीं बोले लेने के, कुछ उन्होंने मनाई कर दी। लक्ष्मीनगर ये जो इलाका है ये इलाका पॉश कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर नगर परिषद की ओर से कभी कोई समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया। जो शिवाजी नगर शिवाजी चौक से नाली आती है, वो सबसे बड़ी नाली यहाँ पर आती है, और यहाँ पर आने के बाद में थोड़ा सा भी पानी अगर आया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। नाले का पानी उबल कर सामने आ जाता है और नाली और रोड यहाँ पर पानी भरने की वजह से दुकानों का और घरों का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। सरकारी संकट अक्सर राजनीति के कंधे पर सवार होकर आता है। पीड़ितों के न्याय और इंसाफ की लुभावनी बातों में लिपटे हुए आकर्षक मदद के खोखले आश्वासनों की खैरात जोर शोर से बांटी जाती है। इसी तरह की मदद का आश्वासन राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने मानसून सत्र में हाल ही में दिया था। उन्होंने तो बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रति परिवार 10,000 रुपये मदद निधि की घोषणा की थी, लेकिन जमीनी स्तर पर कईयों को केवल 5,000 ही मिले तो कई लाभार्थियों को मदद की फूटी कौड़ी तक नसीब नहीं हुई है। दिग्रस शहर पर बाढ़ का कहर बनकर जो एक आपदा आई थी, इसको एक सप्ताह पूरा हो चुका है और आज हम बापूनगर और लक्ष्मीनगर के चौराहे पर हैं। यहाँ के लोगों ने बताया कि इन लोगों को अब तक किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली है। वैसे तो कई इलाकों का सर्वे हुआ है, कई लोगों को मदद भी मिली है, लेकिन यहाँ के लोगों को अब तक कोई मदद नहीं पहुँची है। हम आपको बता दें कि अजीत पवार जो है राज्य के उप मुख्यमंत्री, उन्होंने हाल ही में मानसून सत्र में कहा था कि बाढ़ से पीड़ित हर परिवार को कम से कम 10,000 रुपये प्रति परिवार मदद दी जाएंगी, लेकिन अब तक 10,000 की कोई मदद यहाँ नहीं पहुँची है।
और ना ही 5,000 की भी कोई मदद यहाँ पहुंची है। इन्हें उम्मीद है कि जल्द से जल्द प्रशासन इनका सर्वे करेगा और इनको राहत पहुंचाएगा। NDCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान।